और या सीधे सीधे यूं कहें कि दलितों की बारात में बागेश्वर धाम के भाई पहुंचे और अब उनके ऊपर लग गया है SC ST Act। अब बाबा नहीं बता पा रहे हैं कोई भी उसका उपाय, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री शुरू से ही फ्रॉड तरीके से नजर आते थे, इस तरीके के विवादों में नजर आते थे। उससे पहले मैं आपको वीडियो सुना देता हूं जो आपको समझ में आएगा, जो वो बता रहे हैं कि जो कथा सुनने आते हैं वो लोग कौन है। पहले तो दोस्तों ये वीडियो सुन लीजिए। दरबार भी चलाने के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का जमाना है। मूर्खों के जमाने में 5 चीजें सीख लो, दरबार चालू। मेहनत बहुत करते हो, सफलता नहीं मिलती है। जय हो गुरु। पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, सांची कह गए। तुमने दूसरों के साथ बहुत अच्छा किया, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देगा। दोस्तों आपने ये वीडियो सुन लिया, इसमें साक्षात वह बोल रहे हैं कि मूर्त धूर्त लोगों की कमी नहीं है देश के अंदर, उनको सिर्फ छोटे छोटे टोटके इस तरीके से बता दीजिए, वह आपके पंडालों में आके आपके लिए तालियां बजाएंगे। आपने समझना है कि ये बागेश्वर धाम कौन से वाले बाबा हैं, जो जेल में बाबा पड़े हुए थे, आसाराम, राम रहीम या ऐसे तमाम लिस्टों की अगर हम बाबाओं का नाम गिनाने आएंगे तो एक लंबी कतार बन जाएगी। तो इन बाबाओं से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने महिला पुरुष साथियों को बताएं कि ये कौन से वाले बाबा हैं। यानी कि जो अपने भाई का भविष्य नहीं बता सकता, जो अपने भाई को नहीं बचा सकता, या भाई के उसका पर्चा देखकर पहले नहीं बता सकता कि ये विवादों में जाने वाला है, परेशानी में जाने वाला है, मुंह के अंदर आपको सिगरेट नजर आ रही है, हाथों में लहराती हुई बंदूक नजर आ रही है, और इस तरीके के बाबाओं के जब भाई होंगे तो समझ लीजिए साम्राज्य किस तरीके का होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। धीरेन्द्र शास्त्री आज पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन विवादों की वजह से कभी हिंदू मुस्लिम के दंगों की बात करते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जिस बाबा को धर्म का प्रचार करना चाहिए वह हिंदुत्व का झंडा उठाकर बात करते हैं, लेकिन वह अपने भाई का भविष्य भी नहीं बता पा रहे हैं। भविष्य मतलब कि वह आने वाले किसी भी व्यक्ति का पड़ाव ठोक कर पर्चा बताते हैं कि इसका नाम मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसका काम मैंने बता दिया है, इसके साथ यह परेशानी है, ये भी इन्होंने बता दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यह नहीं बता पाए इनके भाई के साथ क्या होने वाला है। वो हम बता देते हैं कि इनके भाई के साथ क्या होने वाला है। इनके भाई के साथ होने वाला है, वह जाने वाले हैं जेल के अंदर, और जेल के अंदर इनके ऊपर लग गया है SC ST Act। जी हाँ साथियों, SC ST Act लग गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, यह छोटे भाई हैं और इनको छोटे महाराज जी के नाम से कहा जाता है। आप फोटो ध्यान से देख लीजिए, दोनों एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं, एक ही मंच पे नजर आ रहे हैं, हवन करते हुए पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये फोटो आपने देख लिया, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं, और इनके भाई आपको दूसरा वीडियो दिखा देते हैं। ये एक बारात में गए थे, SC की बारात में गए थे, दलित की बारात में गए थे, और वहां पर जाके इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी देसी कट्टे से। जी हाँ दोस्तों, देसी कट्टे से इन्होंने गोली चलाई। माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि कुछ लोग जो वहाँ पे बाराती आए हुए थे वह बिना खाना खाए ही भाग गए, और इनके मुंह में आपको सिगरेट नजर आ रही होगी, इतनी दबंगई देखिए। जब भैया सैया कोतवाल तो डर किस बात का, यानी कि पूरे देश के ऊपर ये साम्राज्य करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के भाई इस तरीके की बदमाशी करते हुए आपको सामने नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर SC ST Act लग गया है, और जो बहुत जल्द जाने वाले हैं जेल में, जिसको नहीं बचा पा रहे, यानी कि जो दूसरों की परेशानियों को हल बता देते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं, सुहानी शाह के लिए इन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि ये जो चमत्कारी लोग नहीं है, हमें बागेश्वर धाम की साक्षात कृपा आई है, हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और हम उसका समाधान भी बता देते हैं। लेकिन अपने भाई का समाधान कुछ नहीं बता पा रहे, क्योंकि वह जाने वाले हैं जेल के पीछे। यानी कि दोस्तों इस वक्त देश जो है वह रामचरितमानस से नहीं चलने वाला है, देश संविधान से चलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आपके सबसे पहले।